नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन सरकार के राष्ट्रपति के साथ वडोदरा में C-295 विमान के निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। C-295 जैसे स्वदेशी विमानों के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का किया जाएगा निर्माण, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से किए जाएंगे प्रदान। C-295 के शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TCL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। ये सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। विमान निर्माण की प्रक्रिया में निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण, डिलीवरी, रखरखाव तक शामिल। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की रखी थी आधारशिला। वडोदरा हवाई अड्डे से टाटा के प्लांट तक पीएम मोदी के साथ सांचेज भी करेंगे रोड शो। रोड शो के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। गुजरात में होने वाले रोड शो में भारत के विकास की गाथा, भारतीय संस्कृति और गुजरात के गरबे की झलक देखने को मिलेगी। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के प्रमुख भारत और स्पेन के संबंधों को एक नई ऊंचाई देने के साथ देश विदेश के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। PPP मॉडल पर बना है भारत माता सरोवर। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न सड़क परियोजनाओं, 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली जिले के अंतर्गत जल आपूर्ति विभाग की 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिले के 36 शहरों और 1,298 गांव के 67 लाख लोगों तक पहुंचेगा विकास परियोजनाओं का फायदा। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर वडोदरा पहुंचे स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज का विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने स्वागत किया। सांचेज की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगी। गृहमंत्री अमित शाह NDMA के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। आपदा के असर और खतरों को कम करने जैसे सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। NDMA स्थापना दिवस का मुख्य विषय व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुदायों को बनाना है सशक्त। NDMA स्थापना दिवस के कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और देश भर से आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख हितधारक हिस्सा लेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर आज JPC की बैठक संसद भवन परिसर में होगी। JPC वक्फ बोर्ड मुद्दे से जुड़े सभी पक्षकारों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सुझाव मांग रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी के नेता मैनिफेस्टो को लेकर आपस में भिड़े। मुंबई में SCP नेता जितेंद्र अवहाद और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की किताब को लेकर हाथापाई हो गई। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज चुनाव प्रचार करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने वायनाड को छोड़कर रायबरेली सीट को चुना था।
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, सभी कार्यकर्ता और सपा के सभी नेता चुनाव प्रचार में जुटे। मैनपुरी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि नतीजे ऐतिहासिक होंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी ने केदारनाथ से आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आशा नौटियाल केदारनाथ से बीजेपी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दांव खेला। राजद प्रमुख लालू यादव ने बाहुबली और पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उनकी पत्नी हिना शहाब को पार्टी की सदस्यता दिलाई। झारखंड में आज पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की होगी जांच। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को होगी वोटिंग। वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में आज कई पार्टियों के दिग्गजों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के चक्रवात दाना से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री और प्रमुख सचिव भी मुख्यमंत्री मांझी के साथ थे मौजूद। मुख्यमंत्री मांझी ने संबंधित विभागों को तत्काल नुकसान का आकलन करने और चक्रवात दाना से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। आयुर्वेद दिवस की थीम वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा प्रदूषण का असर, वायु प्रदूषण से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। कई जगहों पर AQI 350 के पार। यमुना का जहरीली पानी भी बना हुआ है चिंता का विषय। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है असर। सिम्बेक्स के 31वें संस्करण का आज बंगाल की खाड़ी में होगा आयोजन। अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाकर समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार करना है। संस्करण का उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाकर समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार और आम समुद्री चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देकर भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। दिल्ली में डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्ट फॉर डिस्लेक्सिया अभियान के तहत राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट लाल रंग की लाइट से जगमगाया। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए सजी अयोध्या नगरी को सजाया गया। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर दीपों को सजाया जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने हजारों तेल के दियों और 850 ड्रोन के साथ दीपोत्सव मनाया। दिल्ली में पुलिस के जवानों ने दिवाली से पहले तिलक नगर बाजार में गश्त की ताकि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सके। गुजरात के वडोदरा में दिवाली से पहले BAPS स्वामीनारायण मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। गुजरात के वडोदरा में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में 5000 दीपकों से महाआरती की गई। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए आज से देश भर में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। मौसम विभाग ने दक्षिणी कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में कल हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कराईकल में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा की जताई संभावना। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आशंका। राजधानी दिल्ली की बात करें तो भले ही अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है लेकिन अभी तक सर्दी ने नहीं दी है दस्तक। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला।
झामुमो सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा वोट बैंक के लिए कांग्रेस और जेएमएम की साजिश। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरा वर्ष अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया। वहीं गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, जिन्हें A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी घोषित किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने FCI के अधिकारियों के साथ पंजाब में खाद्यान्न की आवाजाही और खरीद की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक 2024-25 के खरीफ विपणन सत्र और पंजाब में धान की खरीद, प्रबंधन और भंडारण को लेकर चल रही चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। त्योहारी सीजन में लॉजिस्टिक और परिचालन क्षेत्र में नौकरियां सालाना आधार पर 70% बढ़ी है। खुदरा व ई कॉमर्स में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेशेवर नेटवर्किंग मंच अपना.co ने कहा कि इस साल का त्योहारी सीजन विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो उपभोक्ता खर्च में मंदी के बाद फिर से बनाना चाहते हैं अपनी जगह। अपना.co के CEO निर्मित पारेख ने कहा कि खुदरा व ई कॉमर्स क्षेत्र में 18,000 भर्तियों की है। वहीं आतिथ्य क्षेत्र में रेस्तरां प्रबंधक, फ्रंट ऑफिस स्टाफ और प्रशासनिक पदों के लिए 14,000 नौकरियां हैं। केंद्र सरकार पंजाब के माहौली में करने जा रहा है BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि बिक्री नावी का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाओं के साथ साथ नए स्टार्टअप को बढ़ावा देकर भारत को टिकाऊ कृषि खाद्य समाधानों में अग्रणी बनाना है। रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड लगभग 80 लाख वर्ग फुट की आवासीय परियोजना की करेगी शुरुआत, जिनका अनुमानित बिक्री मूल्य 10,000 करोड़ रुपए है। महिंद्रा समूह की रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस को कम आमदनी होने से चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में हुआ 14 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा। वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक की अगले कुछ साल में अपनी उत्पादन क्षमता को 2 गुना कर 20 लाख टन करने की योजना है, जिसके लिए 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही सलाहकारों को नियुक्त कर लिया है और अब खनन भागीदारों की तलाश कर रही है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच इंडिगो की उड़ान सेवा हुई शुरू। यह उड़ान मध्य प्रदेश के खजुराहो के रास्ते संचालित होगी। देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या असेसमेंट ईयर 2014 के मुकाबले असेसमेंट ईयर 2024 में 5 गुना बढ़कर 2.2 लाख हुई।
SBI के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बीते एक दशक में करदाताओं की संख्या में भी 2.3 गुना का इजाफा हुआ है। असेसमेंट ईयर 2024 में करदाताओं की संख्या 8.62 करोड़ थी। पाक के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के वित्त उप मंत्री लियाओ मिन से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर का कर्ज देने का अनुरोध किया। जापान में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव में पीएम शिगेरु इशिबा की गठबंधन वाली सरकार निचले सदन में बहुमत हासिल करने में रही विफल। प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और जूनियर गठबंधन सहयोगी कोमितो ने संसद के निचले सदन में 209 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से 24 कम है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह प्रचार में जुटे हुए हैं। ट्रंप की रैली में हजारों समर्थक न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन पहुंचे। मिस्र ने हमास के 4 इजरायली बंधकों को कुछ फिलिस्तीनी कैदियों से बदलने के लिए गाजा में शुरुआती 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने यह घोषणा कतर में 1 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को कम करने के फिर से शुरू हुए प्रयासों के रूप में की, जिसमें CIA और इसराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के निदेशकों ने हिस्सा लिया। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमले किए तेज। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस से पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 1100 से अधिक निर्देशित हवाई बम ताके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं कर रहा है। इस बार फिर दिवाली पर व्हाइट हाउस दीपों की रोशनी से जगमग होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज भारतीय अमेरिकियों को दिवाली मनाने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में दिया जलाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 259 रन बनाने के बाद भारत की महिला टीम को 47 ओवर 1 गेंद में 183 रन पर समेट दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दूसरे महिला वनडे में न्यूजीलैंड से 76 रन की हार के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम को बल्लेबाजी की समस्याओं से तुरंत निजात पाना होगा। भारत के प्रमुख पैरा बैडमिंटन एथलीट सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के पुरुष डबल्स में अपने साथी दिनेश राजैया के साथ में रजत पदक जीता। भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 24 पदक जीते। जापान पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने कुल 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। भारत के अरमान भाटिया ने रोमांचक फाइनल मैच में अमेरिका के डस्टी बॉयर को हराकर इंडिया मास्टर्स पिकल बॉल चैंपियनशिप में पुरुष प्रो सिंगल और डबल्स का खिताब जीता। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दीप, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 19वें मैच के रोमांचक मुकाबले में तमिल थलाइवसा ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 30-30 की बराबरी पर रोक दिया। दोनों टीमों के नाम अब 2 जीत 1 हार और 1-1 टाई है। मनिका बत्रा WTA चैंपियंस मोंटेपेलिए टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। हालांकि उन्हें क्वार्टर फाइनल में चीन की कियान तियानी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बिधूड़ी की उपस्थिति में रविवार को नई दिल्ली में आयोजित एक रंगारंग समारोह में दिल्ली कबड्डी लीग के आधिकारिक लोगो और ट्रॉफी का अनावरण किया गया। अनावरण समारोह में खिलाड़ियों और प्रशंसकों के प्रेरणा स्रोत पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी और दिल्ली कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर मंजत छल्लर भी शामिल हुए। मार्च 2025 से राजधानी दिल्ली में कबड्डी लीग शुरू हो रही है। 4 नवंबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम की जगह वनडे और T20 टीम का कप्तान बनाया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलमान अली आगा को भविष्य के सभी वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उप कप्तान बनाया गया है। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच एमिरेट्स स्टेडियम में हुआ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर छूटा। इस ड्रॉ रिजल्ट में मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। हर्वे नेनार्ड को फिर से सऊदी अरब की फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में रॉबर्टो मैंसिनी ने टीम के कोच का पद छोड़ दिया था। सिंगम अगेन का टाइटल ट्रैक विनाशम करोहम हुआ रिलीज। वीडियो में अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार, करीना कपूर और रणवीर सिंह के किरदारों की भी झलक देखने को मिली है। शबाना आजमी ने नारीवाद को लेकर कहा कि उन्हें उन लड़कियों से या काफी चिढ़ होती है जो खुद को नारीवादी नहीं कहती हैं। इसे लेकर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की कमाई में 17वें दिन भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ। फिल्म ने 17वें दिन 70 लाख की कमाई की है, जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 31 करोड़ 10 लाख हो गया है। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज के 17वें दिन 93 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इस तरह फिल्म का अब तक का कुल कारोबार 39.93 करोड़ रुपए ही हो पाया है। विद्या बालन ने फिल्म भूलभुलैया 3 को लेकर खुलासा किया है कि वो इसके दूसरे भाग भूलभुलैया 2 का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। नाना पाटेकर ने अपनी आगामी फिल्म वनवास के प्रचार के लिए अनिल कपूर के साथ एक विशेष पॉडकास्ट किया रिकॉर्ड। नाना पाटेकर ने अपनी आगामी फिल्म वनवास को लेकर कहा कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर उनका सफर यादगार रहा है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें एम्स के कैंसर सेंटर के मेडिकल एंकोलॉजी वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वो बीते कई वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का नया पोस्टर जारी हो गया है, जिसमें अभिनेता बॉस लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। कौन बनेगा करोड़पति 16 का दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिल्म सिटाडेल हनी बनी के निर्देशक राज और डीके के साथ अभिनेता वरुण धवन लेंगे भाग। साथ ही अमिताभ बच्चन उनकी विश पूरी करते नजर आएंगे। अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने अभिनेता सुमित सूरी के साथ लिए 7 फेरे। वहीं जोड़े के शादी की तस्वीरें भी सामने आई। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बिस्ट पर 5 महिला प्रतिभागियों ने लगाए गंभीर आरोप। ये आरोप उनके गेम शो बिस्ट गेम्स को लेकर लगाए गए हैं, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाला है।
और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।